हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी पी वन प्रो 5G फ़ोन है, तो रियल मी पी वन प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं रियल मी पी वन प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं रियल मी पी वन प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, ब्लूटूथ प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर पाएंगे रियल मी पी वन प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन हो जाएंगे, जिसमें से सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, जिसमें से आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स पे। फिर आपको जाना है बैकअप एंड रीसेट सेटिंग्स पे। इस पे जाकर जो भी आप ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिंपली इस पे जाना है, इस पे जाकर सिंपली इस तरीके से पासवर्ड डाल देना है, और पासवर्ड डालते ही जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो क्लिक करके जो भी ब्लूटूथ की ऑल नेटवर्क सेटिंग्स है आपके फ़ोन में रीसेट हो जाएगी, और रीसेट होते ही ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं रियल मी पी वन प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।